हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नॉट वन प्लस नॉट का मोबाइल आया हुआ है, लिक्विड डैमेज है। देखिए इसका डिस्प्ले किस तरीके से दिख रहा है। देखिए इसका डिस्प्ले कभी कभार आ रहा है, कभी कभार उसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है। ये वन प्लस नॉट का बैक पैनल है, इसको ध्यान से खोलना है। देखिए डिस्प्ले कैसा दिख रहा है इसका। तो चलिए, मैंने ओपन इसको है ना करके रखा हुआ था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो आज अपन डिस्प्ले इसमें लगवा के देखते क्या डिस्प्ले लगवाने में अपना प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। पहले बैटरी कनेक्टर को डिसकनेक्ट कर देना है ताकि अपना न्यू डिस्प्ले को भी है ना कुछ ना प्रॉब्लम आए। देखिए मैंने बैटरी कनेक्टर को इसके डिसकनेक्ट हो गया है कर लिया। ये देखिए ये कंपनी का डिस्प्ले, कोई भी डुप्लीकेट चीज़ इसमें वन प्लस में है ना अपने प्रॉपर तरीके से ना काम नहीं करती। डिस्प्ले लगवाओगे तो ना सेंसर वर्क करेगा और ना ही इसका फिंगरप्रिंट इसका वर्क करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसका कंपनी का डिस्प्ले किस तरीके से आता है। देखिए हम इसको ओपन करते हैं, पहले ओपन करके दिखा। देखिए पूरे फ्रेम के साथ में आता है ये कंपनी का डिस्प्ले, वॉल्यूम की, स्लेटर और पावर की, इसका सिम इजेक्टर, इसको ध्यान से लगाना है। देखिए इसको ध्यान से लगाना है, कुछ भी जल्दबाजी अपने को नहीं करना है, मैं तो अपना न्यू डिस्प्ले भी आ जाएगा प्रॉब्लम। एक मेरे पास में छोटा सा ट्यूजर है, उसकी मदद से लगवाता हूँ। देखिए बैटरी कनेक्टर को हमने वापस लगा दी, ये कि हमने मोबाइल को इसका पावर ऑन। देखिए इसका डिस्प्ले आ चुका है। इसको होने देते हैं ऑन। इसके डुप्लीकेट में इतना मज़ा नहीं आता है। डुप्लीकेट अगर से अपन ने भी जैसा यूज़ किए तो ज़्यादा दिन तक क्या ना टिकता नहीं है। तो हो गया इसका लॉक, तो हमें पता नहीं है। ठीक है भाई, एमरजेंसी में देख लेते हैं तुझे। देखिए बैटरी कनेक्टर को निकाल के डिस्प्ले निकाल लें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।